गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल आप सभी का। हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। फाइनली सुबह का टाइम हो चुका है 11:30। सभी अपना सामान पैक कर रहे हैं और मेरा भी ये टेंट लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है क्योंकि भाई कल ना हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मैं थक गया यार टोटली। जब से श्री अमरनाथ से निकले हैं ना, तब से आपको पता है ना, रोज़ का 150 किलोमीटर कर रहे हैं। एंड कल का सफ़र आपने देखा होगा, कल वाला ब्लॉग देख लेना, थोड़ा लंबा है। आज से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ब्लॉग ना छोटा करूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ कि लाइनें जल्दी खत्म हो जाए। एंड अभी ना मैं थोड़ा यूज हो चुका है यहाँ के अनुसार। और कल हमने 4 पासेस क्रॉस करे, आज हमने 1 पासेस और क्रॉस करना है जो कि सबसे ऊंचा वाला है। भाई ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रही है। एंड कुछ ऐसा नज़ारा है, सुबह सुबह सूर्य देवता जी आए थे, बाद में चले गए भाई अपने अटेंडेंस देके। एंड ऊपर वाली साइड देखो भाई, धुआं चल रहा है, पूरा बादल चल रहे हैं। एंड ऊपर वाली साइड स्नोफॉल हो रहा होगा। और हमें जो पासेस क्रॉस करना है ना, यहाँ से 11 किलोमीटर है, उसके बाद ढलान है। पता नहीं है ढलान है या नहीं, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। एंड ठीक है, आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम। जाओ कान्हा जी की, सभी भाइयों की पैकिंग हो चुकी है और मेरा भाई बचा हुआ है। और भाई जी क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। क्या उठा के लेके जाना है? पारी ले लूं? ना प्रावा, उठा के लेके जाने वाले भाई ने ना हमें सुबह भी चाय बनाई, शाम को बनाई। एंड भाई का चैनल है पावर ऑफ ट्रैवलिंग। नहीं, वो चाय वाला कौन सा है? अच्छा, जोली चाय वाला। ट्रैवलर चाय वाला। भाई की शक्ल सेम उससे मिल रही है। एंड भाई का भी ट्रैवलर चाय वाला कुछ ऐसा ही है। एंड भाई बड़ी मस्त चाय बनाता है। सारा वीडियो तेरे ऊपर ही बना दिया यार, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है भाई, आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम। जय हो कान्हा जी की। सरदार जी दुखी हो रहा है मेरी तरफ, क्यों नहीं आ रहा? ले प्रभा, और मस्त भाई, बाकी वाले तो मस्त ही होंगे। तो वो भी हाइट के ऊपर है, तो स्नो तो वहाँ भी होंगी चाचा। सारी जगह स्नो नहीं है। चलो देख लेते हैं, हमें थोड़ा ना पता है, मेरे बाजू थक गई। ठीक है भाई, आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम। जय हो कान्हा जी की। चलते हैं भाई। एंड सामने हमने सुबह सुबह बोल दिया कि खाना बना दो, वही भाई रात को भी राजमा मिले, अभी राजमा, बट ये वाले राजमा अच्छे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलने वाले थे, इतने में फिर से बारिश आ गई। बट यहाँ पे बारिश की टेंशन नहीं है, 2 मिनट आएगी फिर से शांत हो जाएगी। बट इतना है कि बारिश आने के बाद ना मौसम कुछ ऐसा हो जाता है, पीछे वाली साइड चेकआउट करो, पूरा धुंधला हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है श्री माता वैष्णो देवी आया हूँ, वहाँ पे रहता है ऐसा मौसम। भी खराब है, ऊपर बर्फबारी मिलेगी, जो देखा ही नहीं है उसका कहना है। हमें पता ना बर्फबारी मिलेगी सच्ची। हाँ, चलो भाई आप सभी को खिलाता हूँ मैं जम्मू की शान, आन वान शान जम्मू के राजमा। भाई क्या हुआ, नहीं खाने? क्या जम्मू की शान राजमा, मजबूरी है, खाने तो नहीं है पर मजबूरी है। और चारा यार पता क्या है, अगर बता ना, हमारे जम्मू में राजमा कितने मस्त मिलते हैं। यहाँ पे ना राजमा के नाम पे ऐसे बना रहे हैं ओनली वो, क्योंकि इसमें टमाटर भी नहीं डालते, लहसुन कुछ नहीं डालते इतना खास जो कि राजमा बन सके असली वाले, तो इसलिए इनको राजमा थोड़े नापसंद आ रहे हैं। कोई नहीं, और ज़्यादा टाइम खाए जा रहे हैं ना, हर जगह राजमा नाम सुन सुन के हम भी पक चुके हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा। एनीवे कोई नहीं, कभी फुर्सत मिलेगी ना तो मैं इनको राजमा बना के खिलाऊंगा, याद रखेंगे। जे भी एक बार भिंडी खिला, भिंडी बना के खिलाई थी मैंने अर्श भाई को, अर्श भाई याद है भिंडी खिलाई थी मैंने, मुंह का सारा मांस ही उतर गया यार, इतना नमक डाल दिया मैंने। उसका भिंडी से विश्वास ही चला गया। उसके बाद उसने भिंडी नहीं खाई कभी यार, उसकी फेवरेट थी वो। आज मैं बड़े जोश के साथ था कि सुबह धूप निकली है, नहाऊंगा इनको दिखाऊंगा मैं नहा के, बट ऐसी मौसम ही खराब हो गया यार, नहाना कैसे है। चलो भाई ये वाला अपना मिनी ढाबा कुछ खा लेते हैं। चाचा रेडी है राजमा? रेडी है ना, ओके। भाई जे वाली दुकान ना हमें टाइम पे मिल चुकी है, अगर जे नहीं होती ना सच्ची बॉट लग जाती, क्योंकि हमारे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और बीच में कोई किराना वाली दुकान भी नहीं है। ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा खाना खाने के लिए। बाहर बैठना है भाई, बाहर बैठो फिर। झूले जी अभी दोस्तों आधा खाना छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, सारा सामान गीला हो गया यार, दिख रहा है ना। आए भाई, अरे यार मेरा ये स्लीपिंग बैग भी गीला हो गया, रात को सोएंगे कैसे, और यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ठंड होती है, सभी का गीला हो गया भाई। एंड मेरे को भेजा गया है सबका सामान सेट करने के लिए, मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ, सही है ना। मुझे लग रहा है यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, पासिस के ऊपर क्या हाल हो रहा होगा, है ना।
ऊपर वाली साइड देखो यार, पूरा मौसम खराब हो चुका है। ठीक है, जल्दी से पैक करता हूँ, देन देखते हैं कुछ। अगर बारिश रहती है तो नेज आएंगे, क्योंकि पासेस के ऊपर सभी के ग्लव्स हाथ काम करना बंद कर देंगे। लो भाई, किसी तरह ना हमने जुगाड़ शार्ट करके अपने बैग सारे बांध लिए, बट अभी भी टेंशन हो रही है कि यहाँ से अगर निकलेंगे ना ऊपर, ज़्यादा बारिश होगी तो फिर भी दिक्कत होने वाली है। एंड जीतू भाई का देखो मैंने बैग कैसे बांधा हुआ है, उसको ना मेरे से ज़्यादा उम्मीदें थी, मैंने अच्छी तरह बांध लिया, बट इसमें दिक्कत होता क्या, अगर ज़्यादा बारिश होगी फिर तो ये गया। एंड अपना वाला मैंने जुगाड़ कर लिया थोड़ा बहुत। एंड जे भाई देखो भाई, चाय वाले भैया जी अभी जुगाड़ कर रहे हैं। जे भाई अपने साथ सब कुछ लेके चलता है, सब कुछ, इसका अपने वेट से ज़्यादा इसकी साइकिल का वेट है ना भाई, कितना वेट है साइकिल का? 60+ तो होगा। ओपरा वाह, 60+ के जी तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास ओनली 15 किलो वेट है सारा। अभी देखो बारिश तेज़ हो रही है, अरे मेन चीज़ तो उठाई नहीं, पता चले पूरा शरीर ही ठंडा हो गया। ठीक है, अभी वही टेंट के नीचे बैठ जाते हैं, चाय शाय पीते हैं, जब मौसम थोड़ा बहुत खुलता है, अगर खुला तो फिर चलते हैं। वैसे ना दोस्तों एक चीज माननी पड़ेगी, सुबह हम लेट हुए हैं ना, मतलब लेट उठे हैं ना रेस्ट करके, वो सब कुछ ना सही होता है जो भी होता है। अगर हम जल्दी निकल जाते ना इस टाइम ना टॉप के ऊपर होते और अपनी बुरी तरह से बैंड बज जाती, इवन कि बुखार भी हो जाता, क्योंकि ग्लव्स है ना, ग्लव्स भी गीले हो जाते और पैंट के अंदर भी पानी चला जाता, पिछवाड़ में भी चला जाता, क्योंकि सीट कवर से पीछे पानी आ रहा है ना, तो मतलब सारा टेंटा फिस हो जाती। जो भी होता है सही होता है भाई। ठीक है, अभी हम मजे से जाएंगे जब बारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भाई लोग चाय के लिए बोला है? चाय के लिए बोला या खुद ही पी ली? पी भी लिया, बोल भी दिया भी चाय। फिर से पियोगे? उनसे बोला चाय। ओके, लद्दाख में भी बारिश होता है भाई, इतना ज्यादा नहीं होता, बट जितना होता है इतना काफी है भाई। खतरनाक मौसम भाई, लग गया भाई। कौन सा है भाई? अच्छा ये वाला। बाइक चला सकते है ना इसे पहन के? इसके अंदर पानी चला जाता होगा? पानी नहीं जाएगा, टेस्ट करूं बाहर। अभी दोस्तों मुझे लग रहा है आज ना बारिश खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि 2 घंटे हो चुका है वेट करते करते, 12:30 हो चुका है, और अभी हमने टास्क दिया अगर 2 बजे तक बारिश खत्म नहीं होती है तो भाई यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको बताया पासेस पे वैसे भी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, एंड पासेस के ऊपर आज 100% बारिश दिखाई गई है, मतलब यहाँ पे अगर बारिश हो रही है वहां पे स्नोफॉल हो रहा होगा। एंड मुझे अपने दोस्तों की टेंशन है भाई, और हमारे साथ इसलिए हम नहीं जाएंगे। कितनी 100% बारिश है ना आज? 100%। और यहाँ पे देखो कैसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड लग रही है भाई, और टेंट लगाने भी अभी कौन जाए, अभी 1 घंटा टाइम दिया गया है, मतलब 2 बजे तक देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, वैसे मैंने लद्दाख में ना कम से कम 4थी बार आ रहा हूँ, इतनी ज्यादा बारिश नहीं देखी जितनी आज हो रही है, मतलब होती है बारिश कुछ टाइम के लिए बट उसके बाद खत्म हो जाती है, बस ये वाली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाबा थोड़े खतरनाक है, बाबा खतरनाक नहीं है, उनका स्लैंग टोन खतरनाक है, मतलब कितना बिल बना रात और सुबह का बिल बता दे कितना बना? आप ये सुन लो, 5-star होटल में और यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं है, 2000 रुपए बिल है। 2000 बन भी गया वो पागल दोस्त, 2000 1200 रात हो गया ना, 800 2000 सोच के चलोगे, अगर आज भी यहाँ पे रुकते हैं ना फिर भी 2000 हो जाएगा, एंड 2000 की अगर हम सब्जी लेंगे, 100 रुपए का सिलेंडर भरवा लेंगे ना, एंड 200 रुपए की सब्जी ले लेंगे ना, 300 रुपए में काम हो जाएगा। ठीक है, बट अब सिचुएशन ही वैसी है, हम क्या कर सकते हैं। क्या सरदार जी, अब तो हम सब में ज्ञानी हो, बताओ कुछ ना, जैसे चल रहा है जैसा भगवान चाह रहा है वैसे चलो, अपने मन से सोच के कुछ नहीं हो सकता है। वाओ, थम्स अप, थम्स अप, सही है सही है। अजीत भाई भगवान ने हमें कमाई के जरिए बहुत सारे दिए हुए हैं, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, यूट्यूब की कमाई मिलती है, किसी को भी छुपाने की जरूरत नहीं, सबको ज्यादा आ रहे हैं, सब भर सकते हैं आराम से। भाई स्पॉन्सर तुझे आ रहा है? ए मत बोल, ओ पर डे 15,000 हमें नहीं आ रहा है, झूठ मत बोल। फॉरेन कपल बैठा था तो ड्राइवर को बताया, तो बोला कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कहावत है पहाड़ों में किसी की मदद दो, तो सामान थोड़ा उसमें डाला, रिवर्स किया, नीचे लिया, वहां से सामान लोड करके फिर इधर आया। यहाँ भी तक टफ आते हैं। पीछे वाली साइड कितनी बारिश हो रही है भैया पासेस के ऊपर? नहीं है, ज्यादा नहीं है, इससे कम है, इससे कम है। मैं जब आया था इससे कम हो रहा है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है दोपहर के 2:30, मैंने आपको बोला था ना 2 बजे तक हम मतलब वेट करेंगे, उसके बाद हमारा सर्वर का बांध अभी टूट चुका है, अभी पक्का बताया अगर हम निकल भी जाते हैं ना, कुछ बारिश के कारण ना कुछ ऐसा वाला कीचड़ हो चुका है रास्ते में,
एंड यहाँ पे जितने भी बाइकर आए ना सभी सारे यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि आगे वाली साइड कीचड़ थोड़ा ज्यादा था। बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? बोलने में थोड़ी, मैं इसलिए फास्ट फास्ट बोल देता हूँ कि लाइनें जो निकल जाए वो निकल जाए। सो एंड कुछ ऐसा नजारा है भाई, अभी टिकलू भाई ने अपने टेंट लगा दिया, हम भी जा रहे हैं लगाने के लिए क्योंकि अभी निकल के कोई फायदा नहीं है। एंड सरदारबाजी जाएंगे, मैं और सरदारबाजी जाएंगे अभी गांव में, वहां से सब्जी लेके आएंगे क्योंकि नीचे वाली साइड आपको बता ना बहुत सारे हिडन वाले गांव है यहाँ पे, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, मैंने ऐसा वो देखा आपके लिए, क्या मस्त लग रहा है भाई। एंड ये पीछे वाला मैंने पहली बार देखा, कैसे पहुंचा होगा ये? ट्रैक्टर वाली नहीं, ऐसा लेके आएंगे नहीं तो उछल उछल के सारा खाली हो जाएगा ना। इनके साथ कम से कम भाई 3-4 करोड़ रुपए की बाइकें होगी ना, इतनी 20-20 लाख की एक है तो 3-4 करोड़ हो ही जाएगा। चलो हमें क्या लेना, हमारे पास अपनी स्प्लेंडर है, चलते हैं अभी टेंट लगाते हैं भाई। हाँ जी 50,000 ओनली। क्या 50,000 ओनली तेरी बाइक का प्राइस? और उसमें भी मतलब कि 9 साल चला दी है। बाप रे, अभी भी नहीं छोड़ना, अभी 3-4 साल वो चलेगी जब तक शादी नहीं होती। इसका मैं वो करवा लूंगा आगे भी, मतलब एक्स्ट्रा होता नहीं 5 साल और एक्स्ट्रा, वो भी तो 20 साल चलाएंगे, बीमा करवा लेगा इसका, है ना 5 साल एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, अभी नीचे वाली साइड गांव है ना, पता नहीं वहाँ पे सब्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ना हमने खाना खाया रात और सुबह का, कम से कम बिल हमारा 2500-2200 रुपए के आसपास बन चुका है और हम नहीं जाते। टोटल हमारे पास बजट है ना जो इस ट्रिप पे कैश है हमारे पास हार्ड वाला, वो है मतलब 5000 रुपया होगा जिसमें से 2500 चला गया एंड थोड़ा बहुत हमने पीछे खर्च कर दिया, अभी 1000-1500 रुपया बचा होगा हमारे पास, बाकी वालों का मुझे पता नहीं है। बाकी देखते हैं, अगर गांव वाली साइड जाते हैं ना तो हमारा काम 300-400 रुपए में हम अच्छा वाला खाना बना लेंगे, सही है ना? वैसे वो अपना डोली क्या नाम है उसका, भाई जी अपने जो आसाम वाले भाई, उसे खाना बनाना सब कुछ आ जाता है, बाकी हेल्प हम कर देंगे और बाकी बचा हुआ खाना हमारा ओबराय होटल के मैनेजर जी कर देंगे। चलते हैं टेंट लगाते हैं भाई। तो अभी दोस्तों मेरे पीछे आपको जो बाइकें दिख रही है ना, ये भाई कम से कम 3-4 करोड़ की बाइकें हैं एंड पर बाइक कम से कम 18 लाख से लेके 25 लाख की है। बट एक चीज बताऊं, जे बाइकें चलाएंगे ना और अर्श भाई जब अपने पीछे से बाइक लेके आएगा ना चिल्लाती हुई, सारे पीछे मुड़ के देखेंगे बाइक कौन आ रहा है पीछे। जे पावर है अपने डिस्कवर किया ना। हाँ 125 सीसी, ये 900 सीसी वाली है। इतनी बड़ी बाइक मैंने पहली बार देखी यार, ऐसा लग रहा है वो होता है ना यहाँ पे जॉक की जैसी पावर लग रही है पूरी, इतनी बड़ी बड़ी बाइक है भाई। एंड ये 25-25 लाख की है, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बट कम से कम 20 के आसपास ही होगी ना अर्श भाई। यहाँ पे बहुत एक्सेसरीज अगर ज्यादा लगा दी तो 25 लाख की भी पड़ जाएगी। चलो एनीवे बहुत छोड़ो, हमारा कौन सा बाइकों वाला काम है, जब होगी देखा जाएगा, फिलहाल अभी पैदल चल रहे हैं, पैदल वाले काम करते हैं। अभी हम सोच रहे हैं उस वाले गांव में ना पैदल ही चले जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ वो सामने वाला गांव। बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक छोटी सी दुकान मिली है, क्या पता यहाँ पे सब्जी हो, अगर सब्जी मिल गई काम बन जाएगा। भाई जी को पूछते हैं, भाई जी के पास सब्जी है खाने के लिए, और भाई जी झूले झूले, भाई जी सब्जी मिलेगा यहाँ पे? ये गांव है, यहाँ पे सब्जी वाला दुकान होगा कोई? सब्जी मतलब गांव में कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर भाई गांव इतनी दूर भी नहीं है बट इतने ज्यादा घर भी नहीं है। अरे दूर नहीं है, बहुत दूर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर होंगे। मैंने सोचा ये वाला गांव है बट बहुत दूर नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें। क्या करें भाई, आलू भाई जी आपके पास आलू हो गए? आलू नहीं। न्यूट्री भी नहीं। चावल ठीक है, चाय तो होगी? चाय। चलो फिर गर्मा गर्म 2 चाय बना दो फिर, सही है ना अर्श भाई? इतनी दूर आए हैं पी लेते हैं फिर। भाई साहब इस कड़कड़ाती ठंड में ना यही हमारा चाय सहारा यार। भाई मौसम साफ होने के बजाय ना और खराब हो जा रहा है, उल्टा है ना। मैं बाहर पता क्यों आया हूँ, चाय खत्म ना हो बीच में पानी ऐड होता रहे, सही है ना? हम इंडियन है कुछ भी कर सकते हैं यार। अभी भाई को ना मैं एक नुस्खा बता रहा था कि भाई की दुकान ना थोड़ी साइड पे है, मैंने बोला भाई जी आप ना फ्लैग लगा लो अपने कंट्री का, इंडिया का, मतलब हम क्योंकि हम मैक्सिमम जगह भाई पे रुकते हैं यहाँ पे फ्लैग लगा होता है ना, मतलब अट्रैक्शन हो जाता है वहाँ पे एंड दूर से पता चल जाता है यहाँ पे भाई कोई कुछ सेल कर रहा है। बट हम यहाँ पे ऐसे आए थे बाइक देखने के लिए, फिर हमने सोचा यहाँ पे ओके आते हैं एंड भाई जी मिले दुकान खोल लेते हैं। मैंने सोचा चलो क्या बोलते हैं बुकिंग करवा देते हैं, सुबह का जो फर्स्ट कस्टमर आता है वही बन जाते हैं, सही है ना? बोनी बोल, क्या बोलते हो सर? बोनी। हम बुकिंग बोल देते हैं ना, डोगरी नहीं ना ये। ओके मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हम ना यहाँ पे स्टक हो चुके हैं क्योंकि हर जगह ना कीचड़ कीचड़ हो चुका है एंड यहाँ पे हालत देखो, अभी तो ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा। और मेरे दोस्तों का क्या हाल है भाई? लोग
सब्जी वाला पूछ के आगे, सब्जी तो नहीं मिली, गांव में जाना पड़ेगा आगे। भाई जिस दुकान में हम खाना खा के आए ना, मतलब चाय पी के आए, वो कह रहे हैं वहाँ पे टॉयलेट लग रहा था। मुझे लग रहा था वो टॉयलेट थोड़ी ना है, दुकान है चाय वाली। जाता तो है नहीं कौन भाई, मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई तू फ्लैग लगा ले यहाँ पे, कम से कम कस्टमर को पता तो चले यहाँ पे कुछ है। सही है ना, फ्लैग अट्रैक्शन है ना एक। सांस ही नहीं आ रही यार, मुझे टेंशन हो रही है, अगर कल भी ऐसा वाला सीन रहा तो क्या हाल होगा हमारा यार। फिर से रुकना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम। पहले ना दोस्तों आप जमीन की हालत देखो, इतना इतना कीचड़ हो चुका है, यहाँ पैर रख रहे हैं ना नीचे दसे जा रहे हैं, और यहाँ पे अभी हमें अपनी कैंपिंग करनी पड़ेगी। फिर हमने सोचा यहाँ पे टेंट लगा लेते हैं, एंड हाथ देखो पूरे लाल हो गए, रेड हो गए, मतलब रेड ब्लैक हो गए, मतलब खून जमना शुरू हो चुका है थोड़ा ऐसा। और मैंने सोचा था मेरी जे वाली जैकेट ना माइनस वाली नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है, पर मेरे को लग रहा था वाटर प्रूफ है, पर इसके अंदर सारा पानी चला गया। और आज सच्ची यार क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, रात को ठंड लगने वाली है बहुत ज़्यादा। जब बट मैं सैड होके बोल सकता था, बट जो सच है सच है, इन्जॉय करना तो बनता है, अब क्या करें, बारिश है तो करना पड़ेगा। हम वो बंदे हैं जो समय के अनुसार गुल मिल जाते हैं। मेरी पैंट क्यों खुल रही है भाई, दिख रहे हैं नीचे जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ पैरों के निशान बने जा रहे हैं, और मुझे टेंशन हो रही है। टेंट तो मैं लगा दूंगा, सारा पानी अंदर आ गया तो बुरी हालत हो जाएगी, और यहाँ पर टेम्परेचर शायद माइनस में चला गया है, मेरा हाथ ही जम गया यार। ठीक है भाई, बाइक लेके मैं आ गया किसी तरह धक्का लगाते लगाते, और अभी समय नहीं आ रही कि टेंट लगाऊं कहाँ पे। अपने पास मोम तो है नीचे डालने के लिए, अगर मैं इसे नीचे डाल दिया ना फिर टेंट के ऊपर से पानी आ सकता है, मैंने इसको रखा है ऊपर डालने के लिए। क्या करूं आप बताओ यार, समय नहीं आ रहा अभी। चलो कोई मैं फटाफट जुगाड़ लगाता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं, सही है ना, जितना टाइम कैमरा पकड़ूंगा उतने टाइम हाथ फ्रीजिंग स्टेज में जा रहे हैं। अर्श भाई टेंट लगाने वाला था बट उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी, अभी वो टिकलू के टेंट में जा रहे हैं। टिकलू भाई क्या कर रहा है, सबसे पहले भाई टिकलू भाई ने टेंट लगाया हुआ है। क्या हुआ टिकलू भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया है भाई, हालत खराब हो गया बारिश के कारण। पानी अंदर आ रहा होगा? पानी तो नहीं आ रहा है टेंट के अंदर, पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर बढ़िया है, बट यार रात को ना टेम्परेचर माइनस में जाने वाला है ना सरदार जी, अभी चला गया है। चलो फटाफट मैं टेंट लगा के मिलता हूँ, सही है ना। टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि भाई कील लग ही नहीं रहे थे जमीन के ऊपर, और मेरे बचे हुए हाथ भी फ्रीज हो गए टोटली, अभी बिल्कुल काले हो चुके हैं, बट अभी भी फेस पे स्माइल बनी हुई है। रात का मुझे पता नहीं माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, जैकेट के अंदर पूरा पानी हो चुका है, इवन की पानी निचुड़ निचुड़ के अंडरवेयर तक क्या हो रहा है। एंड ये भाई अपना सामान जहां भी भीग रहे हैं, भाई लोगों की पार्टी चल रही है क्या भाई? नहीं यार। और सरदार जी ठीक हो ना सारे? टिकलू सर ने मंगाया है। ओ टिकलू सर मेरी हंसी नहीं रुक रही यार सरदार जी, मजा ही अलग आ रहा है। तो भाई साहब मैंने टेंट फिट कर दिया है किसी तरह, नीचे वो वाला मैंने त्रिपाल भी डाल दिया, और साइड पे मैंने जे वाली कुछ रेलिंग लगाई हुई है, पानी साइड पे निकल जाएगा, बट मुझे लग रहा है अगर अंदर पानी चला गया ना सुबह तक भगवान जी के दर्शन हो जाएगा सच्ची यार, मेरे हाथ गए भाई। ठीक है भाई, सही किया ना मैंने। बाकी आपको सिचुएशन पता है, हम यहाँ पे कैसे फंसे, क्या हुआ, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि ठीक है यार जो होता है सही के लिए होता है, मैं कभी भी गलत किसी चीज़ को ठहराता ही नहीं हूँ, आज जो हुआ सही हुआ, यहाँ पे अटक चुके हैं, थोड़ी बहुत बारिश का सामना कर रहे हैं। सोचो अगर पासेस के ऊपर चले जाते बाइक तो चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी है, टायर बाइक टायर मिट्टी को पकड़ रहा है, एंड साइकिल भी नहीं चलाई जाएगी उनसे, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सुरक्षित तो है ना। बाकी जय हो कान्हा जी की, टेंशन कोई नहीं है, आपके भाई के फेस के ऊपर अभी भी स्माइल बनी हुई है, इसे बोलते हैं असली
तो अभी दोस्तों मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी थोड़ी बहुत गर्मी बनी हुई है, मतलब अभी उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा भाई, बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। सही है ना, हमें ये टेंशन जो हो रही है अगर कल भी बारिश खत्म नहीं होती है, अगर 3-4 दिन यहाँ पे फंस जाते हैं तो बुरी बाट लगने वाली है। बट आप टेंशन मत लो, हम हारने वाले नहीं हैं और हमें कुछ भी नहीं होगा, कान्हा जी हमारे साथ ही हैं। बस ये है कि हाथ मेरे काले हो गए थे एक टाइम के लिए, मैं डर गया था कि हाथों को क्या हो गया है, बट अभी सही हो चुका है। थोड़ी बहुत गर्मी बना रहा हूँ मैं ऐसे करके, सांस भी ले रहा हूँ ऐसे अंदर करके। बस यही टेंशन है कि अभी खाने शाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा हमसे, बट कुछ नहीं, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हम टेंशन मत लो, आप इन्जॉय करो कि ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, बट हर एक मोमेंट इन्जॉय करने वाली होती है ना। हाँ जी, देखो कपड़ों का ढेर कैसे लगा हुआ है आगे, देख रहे सारे गीले हो गए हैं भाई, पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। बट इतना कि आज की रात ना बड़ी मज़ेदार गुजरने वाली है। सही, ऐसी रात कभी कभी नसीब होती है, वैसे तो हम रोज़ मज़े वाली रातें गुजारते हैं, बट ये वाली रात हमेशा याद रहेगी। एंड देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है बाहर से, मतलब बूंदों की आवाज़ आती है ना सेम वैसी, देखो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे शाम होगी ना बारिश और तेज़ होती जाएगी। बाकी देखते हैं भाई, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप टेंशन मत लो। सही है ना, आप खाना खाओ और मेरे को ठंड से ठिठुरता हुआ देख के ना थोड़ी बहुत ठंड का भी ले लो। सही है ना, चलो मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। और मैंने अभी स्टोरी भी अपलोड कर दी है जो कि आपको इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी एक दिन मैं पहले अपलोड कर देता हूँ, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हमारा स्टेटस है। जैसे आज हम फंसे हुए हैं तो मैंने स्टोरी लगा दी भाई, कुछ ऐसी है। सही है ना जी, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है रात के 9:30। आज सच में यार बुरी तरह से फंस चुके हैं, इवन कि पता नहीं चला भाई 9:30 कब हो गए। मैं इस टेंट में आया था शाम के 5 बजे एंड 5 बजे से अंदर बैठ के काम पर आऊँ, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हैं, सब कुछ गीला है भाई। शुक्र है अपने पास बाकी वाले कपड़े थे धोए हुए, वो पहन लिए हैं, बट इसके अंदर नींद तो नहीं आने वाली। बट मेरा चलो एक चीज़ अच्छी है, मेरा टेंट सूखा हुआ है, ये वाला स्लीपिंग बैग सूखा हुआ है, बट बाकी वालों का स्लीपिंग बैग गीला हो चुका है। मतलब बाकी वालों को मैंने ढका था, कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था बारिश में आने की, और मैं अकेला घूमने से आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे कार्टून पड़ा हुआ था गत्ता, मैंने उसे ढक तो दिया बट फिर भी उनका गीला हो गया थोड़ा बहुत, एंड उनके लिए मुझे आज थोड़ा टफ लग रहा है। पहले मुझे अपने लिए लग रहा था क्योंकि मैं नंगा सो रहा था इसमें ऐसे। भाई बाहर का सीन दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मैं अंदर क्यों बोल रहा हूँ कि टफ होने वाला है। जीतू भाई का पूरा स्लीपिंग बैग गीला हो चुका है, उसकी रात भी नहीं तगड़ी निकलेगी। एंड अर्श भाई का भी हुआ था और उसने थोड़ा कंबल शंबल ले लिया है, बट उससे थोड़ी बहुत नींद आ जाए, नींद तो नहीं आएगी किसी को, इतना मेरे को पक्का पता है। एंड काफ़ी सारे भाई लोग बोल रहे थे आप ऐसे क्यों सो रहे हो, और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है यार, क्या करें, किसी के पास कैसे जाएं। मतलब बीआरओ के पास हम गए थे रुकने के लिए, कोई जगह दे दो, उन्होंने साफ मना कर दिया, तो इसलिए यहीं पे रुकना पड़ा। बट इतना खतरा भी नहीं है, पहले बारिश हो रही थी, अभी स्नोफॉल चल रहा है बाहर, और क्या चल रहा है भाई मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चेकआउट करो, पूरा का पूरा टेंट वाइज स्नोफॉल से कवर हो चुका है, एंड यहाँ पे जूते दिख रहे हैं ना, सारा हर जगह बर्फ ही बर्फ हो चुकी है। एंड बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई साहब, काफ़ी सारे लोग ना ऊपर गए थे पासेस देखने के लिए, बहुत सारे फंस चुके हैं। एंड बाबा जी ने उन्हें शायद वहाँ पे बेड मिलते हैं, मुझे अभी पता चला, एंड बाबा ने उन्हें सारे बेड दे दिए वहाँ पे। चलो अच्छा चीज़ है। मेरी बाइक इधर है, अरे बाइक गीली हो चुकी है भाई, सारी दिख रही है, गीली नहीं बाइट हो चुकी है भाई स्नोफॉल से, दिख रहा है वो बाइक के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है अभी। हे भगवान, आज की रात बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नींद तो नहीं आएगी। अरे इधर भी बर्फ है भाई हर जगह, हे भगवान जी क्या हो गया यार, दिख रहा है ना, पहले पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल हो रहा था, अभी नीचे भी हो रहा है, एंड कल भी शायद मुझे लग रहा है यहीं पे फंसना पड़ेगा। अरे इतनी ज़्यादा स्नो होगी यार, बाकी वाले कैसे सो रहे होंगे। मेरा तो फिर भी अच्छा है कि मैंने नीचे ना मोम डाला हुआ है, आपने देखा ही होगा। अरे बंद कर देता हूँ, मेरी वाट लग जाएगी भाई। ओके ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, ऐसा ना हो कि मैं टेंट के नीचे दब के मर जाऊँ, मरने की बात नहीं करनी है मुझे, अभी जीना है, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मरने वाला नहीं हूँ भाई, टेंशन मत लो। एंड ठीक है, आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, बाकी वालों की तो वाट लग जाएगी, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई भी शूट नहीं कर रहा है, मैं ही शूट कर रहा हूँ रात के 9:30। अभी मैं पावर बैंक मेरे पास है ही नहीं है यार, मेरा ख़राब हो चुका है, मांग के लाया किसी से, भाई दे दो यार, मतलब रात को अगर पी करने जाना होगा तो कहाँ तक के खाता फिरूंगा। बट अभी मेरे को मिला, मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ और अभी का अपडेट भी बता देता हूँ। हाँ तो वाट लगने वाली है सच्ची बुरी तरह से, और रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया ना, फिर दिक्कत होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे आपको नए जोश के साथ, अगर सब कुछ सही रहता है ना। एक स्माइल तो बनती है भाई, जबरदस्ती हंसना पड़ेगा अगर नहीं भी हंसी आ रही है, सही है ना। जय श्री कृष्णा। एंड यहाँ पे अपने कपड़े सुबह तक सूख गए तो बढ़िया है, नहीं तो ये भी सुबह बाट लगाएंगे। एंड कुछ ऐसा है भाई, नीचे मेरा अभी सूखा हुआ है।
ठीक है भाई, जे काम दे रहा है कार्टून।